वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर बच्चों, मैं नीलेश कुमार आज एक्सपोनेंट पावर का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अभी जो लॉज पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में जो लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है जो आज करने जा रहे हैं। ठीक है, 3-4-5 क्वेश्चन है जो करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पिछला समझ में आया होगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो आपको मिले आप वहां से देख सके, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है 3 का पावर -7 डिवाइडेड 3 का पावर -10 ब्रैकेट 1 गुना 3 का पावर -5। इसमें जो लॉग लगेगा वो है, जो लॉग लगेगा इसमें वो है a का पावर n डिवाइडेड a का पावर n, ये लॉ लगेगा, तो याद रखना है। ठीक है, इसमें होता क्या है, यदि डिवाइड में है तो पावर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, -7 -10। माइनस करना चाहिए तो पहले से यहां माइनस है, हाँ, ये ब्रैकेट फिर बंद, गुना 3 का पावर -5। अब देखिए 3 का पावर -7 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 ब्रैकेट बंद, गुना 3 का पावर -5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये दोनों ऐड होगा, 7 + 10 तो क्या आएगा, 3 का पावर 3 आएगा, मतलब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 3 का पावर -5, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, मैं इस तरह ब्रैकेट दे दिया उसको। ठीक है, अब दोनों में देखिए फिर बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस सेम है लेकिन क्या चीज में है, वो मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पावर को। याद है ना कि यदि x का पावर m गुना x का पावर n रहता है मल्टीप्लाई में, तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, वही काम यहां करेंगे। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 + -3, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अभी देखिए खुलेगा ब्रैकेट का यदि, तो क्या आएगा, 3 का पावर 3 + -5, तो बड़ा नंबर है तो ये क्या आएगा, -2। 3 का पावर -2 आया, एक और लॉ हम लोग पढ़े थे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2, 3 का पावर² मतलब, इसको लिख देंगे 1 का पावर 1/9। क्या पढ़े थे कि यदि a का पावर n रहता है निगेटिव में, तो उसको ऐसा कर देते हैं 1/a का पावर n, समझे, क्योंकि यहाँ पे पावर निगेटिव है, उसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें 3 लॉ का इस्तेमाल किया, पहले डिवीजन वाला लॉ का, यदि डिवाइड पे रहता है तो पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, दूसरा यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज करना पड़ा, और तीसरा रेसिप्रोकल लॉ उसको कहते हैं, a का पावर -n रहेगा तो 1/a का पावर n लग देंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर एक बार कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं भेज दूंगा, जो आपको स्कूल के साइड से या स्कूल के ग्रुप में मिल जाएगा, ताकि आप बना सके उसको। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट है, इवेल्युएट 9/2 का पावर -5। ठीक है, डिवाइड का साइन 2/9 का पावर -3। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास बेस सेम नहीं है, लेकिन हम बेस को सेम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। अभी पीछे ही क्वेश्चन में देखे हैं रेसिप्रोकल लॉ, यदि कोई भी नंबर a का पावर माइनस n में रहता है तो उसको 1/a का पावर n कर देते हैं, या कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में है और उसका पावर n है तो उसको q/p करके उसका पावर n कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे अभी हमें। तो देखिए ये वाला 9/2 या 2/9 दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो चेंज कर सकते हैं, तो कर देते हैं 2/9 कर देते हैं, इसको 2/9 करेंगे, यहाँ जो पावर निगेटिव है क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड का साइन कर देते हैं, 2/9 का पावर -3 हो जाएगा। अब डिवाइड के लिए हमको पता है कि डिवाइड में रहता है बेस सेम है, तो क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, तो 2/9 का पावर -3, क्योंकि इसमें माइनस से पहले से ही है, तो कितना आ जाएगा 2/9 -5 क्या हो जाएगा, +5 + 3 8, 2/9 का पावर 8 आ जाएगा। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, उसको समझते हैं। उस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत मिल सकता है, मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी। क्वेश्चन ये है कि बाय व्हाट नंबर शुड शुड -6 का पावर -1 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट एज 15 का पावर -1। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इस नंबर को -6 का पावर -1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो नंबर पता नहीं है तो मान लेते हैं कि नंबर क्या है, वही है, ताकि हमको क्या मिल जाए रिजल्ट, 15 का पावर -1 मिल जाए। ठीक, यही क्वेश्चन है। ये डिवीजन में ही दे सकता है, यहाँ लिख देगा भाई व्हाट नंबर छोड़िए भी डिवाइड टू गेट द प्रोडक्ट ना, यहाँ डिवाइड का संख्या देंगे। ठीक है, तो देखिए वाई को ऐसे नहीं, वाई निकालना है, इसको इधर ले आते हैं, तो 15 का पावर -1 और -6 का पावर -1। हाँ, ये दोनों में बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम है। एक काम करते हैं, चूंकि नीचे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 15/6 का पावर -1। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और अभी हमने बताया कि कोई भी नंबर पी बाई क्यू के पावर माइनस एन में रहता है, तो क्यू बाई पी का पावर एन लिख देते हैं, ये रूल है। तो इसी रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको 6/15 का पावर 1 लिख देंगे, चूंकि माइनस साइन है तो माइनस को बाहर रखने देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -6/15 करना है। और फिर आगे का प्रोसीजर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसको देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसमें फाइंड है, फाइंड एक्स है, इफ -2/3 गुना -2/11 का पावर सॉरी 2/5, यहां पे 2/5 का पावर 11, यहां कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, इक्वल्स टू -2/5 का पावर 3x प्लस 2। और देखिए x का वैल्यू निकालना यहाँ थोड़ा बड़ा आसान है, क्योंकि देखिए हमारे पास सारा का बेस सेम है। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आगे और भी क्वेश्चन इस तरह कर लेंगे हम लोग, तो हमको पहले बेस सेम करना होता है। ठीक, तो बेस तो यहाँ पे सबका सेम है, तो क्या करते हैं, सिंपल सा बेस सेम है तो इसको ऐड करना है, -2/5 का पावर 1 प्लस 11 इक्वल्स टू -2/5 का पावर 3x प्लस 2। दोनों का बेस सेम है, तो बेस जब सेम होता है तो पावर को इक्वेट कर देते हैं, मतलब 2x = क्या हो जाएगा, 3x + 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे घट के कितना आएगा, 10 = 3x, 10/3 = x, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो गया, आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का x का वैल्यू आ जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो क्या है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन में अभी और भी मिल सकता है, इसमें आपका बेस सेम नहीं हो तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि बेस को सेम करने का प्रयास करना होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन ये है कि 8 का पावर -1 × 5 का पावर 3 / 2 का पावर -4। अब देखिए यहाँ पे कोई बेस सेम हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो करते क्या है, हमारे पास एक नियम था, यदि a का पावर m और b का पावर n रहेगा, नहीं वो भी नहीं लगा सकते यहाँ पे। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको 8 का पावर -1 को 1/8 लिख देते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब को 125। ठीक है,
अब डिवाइड वाला में देखिए इसको क्या लिखते हैं, 1/2 का पावर 4, 2 का पावर 4 को सीधे हम क्या लिख देते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 16, ठीक है। यहाँ पे 1/8 गुना 125, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ गया, आपको पता है कि डिवाइड मल्टीप्लाई में कितना होता है, तो उल्टा कर सकते हैं, हो गया उल्टा। अब कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, कितना हो गया ये 125 गुना 2, मतलब 250 आपका हो गया इसका फाइनल आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस सेम करने कोई सवाल था नहीं कहीं पे, हाँ इसको कर सकते थे, लेकिन उससे अच्छा था कि इसको चेंज कर दिया रेसिप्रोकल में, ये कैसे किए ये तो पता ही है ना, अभी बताएंगे a का पावर माइनस n रहेगा तो 1/a का पावर n रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, आज हम लोग 4 या 5 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस तरह का क्वेश्चन और भी जरूरत पड़ी तो आगे कराएंगे, ठीक ना। लेकिन आज कुछ क्वेश्चन मैं PDF के फॉर्म में आपको दे दूंगा होमवर्क के तौर पे, जो आपको स्कूल के साइट पे या ग्रुप पे मिल जाएगा, आपको जरूर बनाइएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा समझ में आएगा, ठीक है। यदि वीडियो में कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।